तो भाई साहब आपके अकाउंट से भी अगर पीएमजेजेवाई स्कीम के नाम पर 436 रुपए एंड पीएमएसबीवाई स्कीम के नाम पर 20 रुपए की धनराशि आपके अकाउंट से कट चुकी है तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। क्योंकि यार आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि जिन भाइयों के अकाउंट से पैसे कट चुके हैं उन्हें यार किस प्रोसेस को फॉलो करना होगा जिससे नेक्स्ट टाइम उनके अकाउंट से पैसे ना कटे एंड वो अपने कटे हुए पैसे रिफंड किस तरह से ले सकते हैं। एंड यार काफी सारे भाई ऐसे भी होंगे जिनके अकाउंट से यार पैसे कटने वाले होंगे क्योंकि यार का जो पैसे कटने की टाइमिंग होती है वो होती है यार 1 मई से 31 जून के बीच में। कभी भी यार आपके अकाउंट से 436 रुपए एंड 20 रुपए एसबी अकाउंट से इवन हर एक गवर्नमेंट बैंक से कट सकते हैं। तो इसलिए यार आज की इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए, बहुत ज्यादा फायदा आपका होने वाला है। तो बिना किसी देरी के आज की इस जबरदस्त वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पीएमजेजेवाई स्कीम के तहत आपके अकाउंट से 436 रुपए काटे जाते हैं एंड पीएमएसबीवाई स्कीम के तहत आपके अकाउंट से 20 रुपए काटे जाते हैं। इसका यार बेनिफिट क्या है उसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, वहां से जाके आप उसे जरूर चेकआउट कर लीजिए। अब यार हम आपसे बात कर लेते हैं कि आप अपने इन पैसों को कटना किस तरह से बंद करवा सकते हैं। यहाँ पर यार अपने अकाउंट से पैसे बंद करवाने का जो यार यहाँ पर फर्स्ट प्रोसेस है वो है यार आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है, अगर आपका एसबी बैंक में अकाउंट है तो आपको यार अपनी होम ब्रांच में जाना होगा। अगर आपका किसी और बैंक में अकाउंट है, इवन किसी भी गवर्नमेंट बैंक में या फिर किसी भी प्राइवेट बैंक में आपका अकाउंट है तो यार आपको अपनी होम ब्रांच में जाना होगा। होम ब्रांच यार हम उस ब्रांच को बोलते हैं जिसमें हम अपना अकाउंट ओपन करते हैं, यानी कि जिस ब्रांच में जाकर हमने अपना अकाउंट ओपन किया है उसे यार हम बोलते हैं होम ब्रांच। वहां पर आने के बाद आपको यार एक एप्लीकेशन लिखनी होगी। एप्लीकेशन आपको किस तरह से लिखनी है मैंने उसकी पीडीएफ लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी है। वहां पर सिर्फ आपको अपने बैंक का नाम मेंशन करना है, अपना नाम मेंशन करना है, अपना अकाउंट नंबर मेंशन करना है एंड आपका एड्रेस एंड आपका मोबाइल नंबर आपको सिर्फ मेंशन करना है एंड आपकी एप्लीकेशन रेडी हो जाएगी। तो यार उस एप्लीकेशन को आप यार डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके आप उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। देन दोस्तों इस एप्लीकेशन में सारी डिटेल फिल करने के बाद इसके साथ आपको अपना आधार कार्ड एंड पैन कार्ड की फोटोकॉपी अटैच कर देनी है एंड अपनी बैंक पासबुक की फोटोकॉपी भी अटैच कर देनी है। उसके बाद यार इस एप्लीकेशन को आपको अपनी ब्रांच में सबमिट करना होगा। जो भी यार आपके ब्रांच मैनेजर सर होंगे वो आपसे ये एप्लीकेशन हैंडओवर कर लेंगे, देन वो आपकी जो भी पीएमजेजेवाई स्कीम के 436 रुपए एंड पीएमएसबीवाई स्कीम के तहत आपके अकाउंट से जो 20 रुपए काटे जा रहे हैं उस स्कीम को यार 24 घंटे के अंदर आपके अकाउंट से बंद कर दिया जाएगा। जनरली यार ये स्कीम को बंद होने में 24 से 48 घंटे का टाइम लग जाता है, तो एप्लीकेशन बैंक में देने के बाद आपकी यार इतना टाइम तो लग सकता है। अब दोस्तों बहुत सारे भाई यार ऐसे होते हैं जिनके अकाउंट से यार पैसे कट चुके होते हैं, कटने के बाद वो अपनी इस स्कीम को बंद करने के लिए फर्स्ट प्रोसेस को फॉलो करने के लिए बैंक में जाते हैं, देन यार वो इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं उनकी स्कीम बंद हो जाती है। दोस्तों सेकंड प्रोसेस में आपको क्या करना है, यहां पर यार इस स्कीम के तहत आपके अकाउंट से 436 रुपए एंड 20 रुपए जो काटे जाते हैं वो यहां पर काटे जाते हैं 1 मई से 31 जून के बीच में। तो यार इस दरमियान जिस अकाउंट से आपके अकाउंट से पैसे कटने हैं उसमें यार आपको पैसे नहीं रखने हैं, यानी कि उस अकाउंट को आपको खाली कर लेना है, उस अकाउंट का पैसा आप किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। जब यार आपके अकाउंट में इनसफिशिएंट बैलेंस होगा तो आपकी जो यार ये पॉलिसी है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। लेकिन यार इस प्रोसेस को आपको 1 मई से 31 जून के बाद अगले 45 दिन तक फॉलो करना है, यानी कि 31 जून के बाद अगले 45 दिन तक आपको अपने अकाउंट में यहां पर बैलेंस मेंटेन नहीं करना है, यानी कि जीरो बैलेंस आपको रखना है। क्योंकि यार इस स्कीम के तहत अगर आपके अकाउंट में 45 दिन तक कोई भी यहां पर अमाउंट नहीं रहती है, जीरो अमाउंट रहती है, तो यार आपके अकाउंट से ये स्कीम ऑटोमेटिकली बंद कर दी जाती है। ये यार गवर्नमेंट का रूल है, इसलिए यार आप इस सेकंड प्रोसेस को फॉलो कर लीजिए। ये यार उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है जिनके पैसे कटने वाले हैं, वो इस सेकंड प्रोसेस को फॉलो करके बिना बैंक में जाए अपने पैसे कटने से बचवा सकते हैं। अब दोस्तों बहुत सारे भाई हमें कमेंट करते हैं कि सर हमें ये कटे हुए पैसे रिफंड किस तरह से मिलेंगे। तो यार रिफंड मिलने का कोई प्रोसेस नहीं है, लेकिन आपको जो मैंने ये दोनों प्रोसेस बताए हैं उन दोनों प्रोसेस को फॉलो करके डेफिनेटली आप अपने पैसे को अगली बार कटने से या अगर आपके कटने वाले हैं तो उससे आप बचा सकते हैं। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके सभी के साथ आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए।